हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाज किचन। आज मैं आपको आम का अचार बनाने की रेसिपी सिखा रही हूँ। मैंने 5 किलो आम लिए हैं। इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में डुबो दिया था और अच्छे से वॉश करके हम इसको अलग निकाल लेंगे। ये मैंने दो ढाई घंटे पहले भिगो दिए थे पानी में। ये देखिए, आम को हमें देख लेना है कि आम सारे आम टाइट हैं, कोई आम पका हुआ नहीं होना चाहिए, इससे अचार ख़राब हो जाएगा। फिर सूखे कपड़े से इसको पोंछ लीजिए। एक एक आम को मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछा और मैं दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। ये देखिए, मेरे आम सभी अच्छे हैं, सारे मैंने कपड़े से पोंछ लिए हैं। इस टाइम गर्मियों का मौसम है, सभी लोग घरों में अचार डालते हैं। ये देखिए आम कितने अच्छे हैं। देखिए, अब इसका ऊपर का जो ये काला वाला हिस्सा होता है, इसे हम निकाल देंगे। आपके घर में जो भी काटने का है, सरोता है, हसिया है, आप उससे काट लीजिए। लंबा लंबे पीसेस में काटिए, चौकोर पीसेस में काटिए, ये आपके ऊपर है। ये मैं लंबे भी काटूंगी, कुछ चौकोर भी काटूंगी, मिक्स करके काटूंगी। जो बड़े हैं उसको हम लंबा करके काट लेंगे, छोटे हैं उनको चौकोर करके काट लेंगे। ये इसकी गुठली निकाल देंगे। ये देखिए, सारे आम ऐसे ही काट लेंगे हम। ये मेरे आम कट चुके हैं। ये मैं आपको 5 किलो आम की रेसिपी बता रही हूँ। इसका मसाला आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ये इसके लिए मैंने, देखिए ये मेरे आम सारे कट गए हैं। अब हम 2 से 2.5 चम्मच भर के नमक डालेंगे सारे टुकड़ों के ऊपर। नमक डाल दिया है। अब इसके ऊपर में 2 से 2.5 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डालेंगे। ये हल्दी डाल दी मैंने। अब इसको अच्छे से हाथ से ऊपर नीचे करके मिलाएंगे। ये हमें रात भर के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि इसका जितना भी पानी होगा नमक से, वो सब निकल जाएगा, फिर हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। यह अच्छे से हाथ से ऊपर नीचे करिए, जिससे मसाला अंदर तक मिल जाए इसमें, नमक और हल्दी। ये देखिए, ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से, देखिए ऊपर नीचे मिल गया है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे कर लीजिए, इसको सारा मसाला हमारा मिल जाएगा। ये आप बड़े बर्तन में डाल दीजिए इसको, और रात भर के लिए हमें इसको छोड़ना है ढक्कन ढक के। इसका जितना भी पानी होगा वो रात भर में इसका निकल जाएगा। ये देखिए, अभी से आम गीले होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अब इसको ढक के रात भर के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। ये अगले दिन सुबह मैंने, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कितना पानी है इसमें। ये देखिए, ये मैं छन्नी से छान के दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। सारे पीसेस ऐसे करके दूसरे पीस निकाल लीजिए। ये मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं, आमों ने पानी बहुत छोड़ा है। ये देखिए, इससे हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। ये आप पानी देख रहे हैं इसका, हल्दी नमक का पानी कितना है। कई लोग इस पानी को यूज़ भी कर लेते हैं, मैंने नहीं किया है इसको। ये सारे टुकड़े हमने पानी से निकाल लिए। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये कितना पानी है इसका। देखिए, अब हम इन सारे टुकड़ों को धूप में रखेंगे, 2-3 घंटे की धूप दिखाएंगे। एक एक पीस को सीधा करके पीस रखना है, कोई भी पीस हमें उल्टा करके नहीं रखना है, इससे मॉइस्चर आ जाता है और आम खराब हो जाएगा। ये देखिए, अभी भी इसमें कितना पानी है। ये मैंने सारे पीस धूप में डाल दिए। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप पंखे में भी 3-4 घंटे के लिए रख सकते हैं इसको। और एक बार धूप में हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो आम जो है हमारे श्रिंक हो जाएंगे वो। ये अब मैं आपको मसाला बताती हूँ। ये देखिए, तो हमने 5 किलो अचार के लिए लिया है 250 ग्राम सौंफ। 250 ग्राम ही मैंने काली वाली राई ली है। कलौंजी 2 चम्मच भर के, 2 चम्मच मेथी दाना, नमक अपने टेस्ट के अनुसार,
दो चम्मच हींग और कुटी हुई लाल मिर्च, ये मेरे घर की हैं, हल्दी पाउडर। अब हम सौंफ को सबसे पहले थोड़ा सा भून लेंगे तवे पे, तेज फ्लेम पे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इससे। ये देखिए, ये हमने देखिए कलर चेंज होता जा रहा है सौंफ का। ये मेरी सौंफ भून चुकी है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं इसको मिक्सी में एक ही बार चलाऊंगी, इससे दर दरा पीसेंगे। ये मेरी सौंफ निकल गई, इसी में मैं राई डाल दूँ। इसी गरम तवे पे हमने राई डाल दी। राई को भी 2 मिनट सौटे करेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। ये देखिए राई में से भी आवाज आ रही है। अब हम इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। मेरी राई भी भुन चुकी है, इसी में हम मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाने को भी 2 मिनट के लिए गरम करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो मेथी दाने का। उसके बाद कलौंजी डालेंगे हम। ये देखिए मेथी दाना भी भुन रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ज़्यादा नहीं भूनना है मेथी दाने को, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। तवा हमारा पहले से ही गर्म है, ये हो गया हमारा मेथी दाना। ये भी सौंफ में निकाल लेंगे। अब कलौंजी डालेंगे, कई लोग कलौंजी को मंगरेल भी बोलते हैं। इसको भी 2 मिनट के लिए ही हमें सौटे करना है बस। ये मेरी कलौंजी भी भुन चुकी है, ये देखिए, ये भी हम सौंफ में डाल देंगे इसको। पहले से ही कढ़ाई में 1/2 लीटर से ज़्यादा तेल गरम कर लिया था, तेज़ फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं उसमें हींग डालूंगी, 2 चम्मच हींग डाली, फ्लेम हमारा बंद है। इसी में मैं हल्दी भी डाल दूंगी, जिससे हमारी हल्दी भी अच्छे से गरम हो जाएगी। 2 चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें। ये देखिए तेल कितना गरम है, फ्लेम मेरा बंद है। ये 2 चम्मच हल्दी डालते हैं इसमें। ये इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक हम अपने आम देखते हैं, हमारे आम अच्छे से सूख गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आम मेरे कितने अच्छे तरीके से सूख गए हैं। एक एक पीस सूख गया, ये दिखाती हूँ। देखिए आप, कहीं भी इसमें मॉइस्चर नहीं है, कलर भी कितना अच्छा आया है इसका। मैंने 2 घंटे धूप में रखा था इसको। ये देखिए श्रिंक भी नहीं है कहीं से। ये देखिए सारे, अब हमारा तेल भी ठंडा हो गया है। अब हमने जो मसाले लिए थे उसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा घुमा दिया है। ज़्यादा महीन नहीं करना है, नहीं तो मोटा मोटा मसाला बहुत अच्छा लगता है अचार में। ये सारा मसाला जो है हम इसमें अपने तेल में मिक्स करेंगे। ये मेरी राई, मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी, ये सब मैंने तेल में डाल दिया। ये मिर्ची कुटी हुई 2 चम्मच, ये भी डाल देंगे इसमें। नमक कम डालेंगे क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं उसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए अच्छे से सारा मसाला मिल जाए तेल के अंदर। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। ये मैंने मिक्स कर दिया, अब हम अपने अचार में मिलाएंगे। अब हम सारा मसाला अपना आम के टुकड़ों पे डालेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मसलना है इसको। ये सारा मसाला डाल देंगे इस पर। अच्छे से हाथ से इसको कम से कम 10 मिनट तक मिलाना है, सारा मसाला जो हमारे आम के टुकड़ों के अंदर चला जाए। ये देखिए ये सारा मसाला मिला देंगे इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कैसे मिलाना है। हाथ आपके सूखे होने चाहिए, गीला हाथ नहीं होना चाहिए। बर्तन भी हमारा सूखा होना चाहिए। ये देखिए इसे ऐसे टुकड़ों के अंदर मसाला इसमें भरना है। ये देखिए, ये आप देखिए कितने अच्छे से मिल रहा है।
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अचार में से। हमारा सारा मसाला अच्छे से मिल गया है, ये आप देख सकते हैं। देखिए एक एक पीस के अंदर कितने अच्छे तरीके से मसाला मिला है। ये देखिए सारा मसाला अच्छे से मिल गया है इसका। अब मैं अपना सारा आम का अचार इस वर्तमान में डालूंगी। आपके पास जो बर्तन डब्बा जो भी हो उसको पहले से अच्छे से साफ कर लीजिएगा सूखे कपड़े से, गीला नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए डब्बे के अंदर। ये मैंने मर्तबान लिया है, अब अपना सारा अचार इसमें भरूंगी मैं। ये सारा अचार इसमें आ जाएगा। ये देखिए आपके पास जो डब्बा हो, आपके पास जो भी डब्बा हो आप उसको साफ सुथरा जरूर कर लीजिएगा एक बार। अब हम इसको कम से कम एक हफ्ता धूप भी दिखानी है, इसके ऊपर मलमल का कपड़ा भी बांध देंगे, तेल थोड़ा अभी भी डालेंगे और बाकी हमारा एक हफ्ते के अंदर अचार तैयार हो जाएगा। ऊपर से भी तेल डाल देंगे, लेकिन तेल हमेशा गर्म करके ठंडा करके डालिएगा। अचार आपका साल दो साल नहीं ख़राब होगा। एक बार मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा अचार कैसा बना आपका। ये देखिए थोड़ा सा तेल मैं अभी डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे कम से कम हफ्ता भर धूप दिखानी है इसको। ये ऊपर से इस पर सूती कपड़ा बांध दूंगी इस पर और हल्की सी गांठ बांध के इसको हम धूप में दिखाएंगे एक हफ्ते तक। अचार हमारा तैयार है, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिए, मुझे लिख के बताइएगा कैसा अचार बना आपका। थैंक यू। ये मेरा पहला वीडियो है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।